रेणु हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ दुर्गा माता की मूर्ति। वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, आ चुका हूँ बैक कैमरे पर। यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक छोटा सा लकड़ी का गुटका लिया हूँ, जिसपे मैं दुर्गा माता का बैठाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। तो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा कील लिया हूँ, तो इसको इसमें हम ठोंक देते हैं किसी हथौड़ी या कुल्हड़ी की मदद से। तो हमने कुल्हड़ी लिया हूँ। इतना सेट करने के बाद हमने एक डंडी लिया हूँ। ये जो कील है वो काफ़ी छोटा है, तो दुर्गा माता का मूर्ति काफ़ी बड़ा बनेगा। अब देख लीजिए, हमने रस्सी से बांध दिया हूँ। अगर आप चाहो तो इसको टेप से भी बांध सकते हो। तो चलिए, अब हम इतने पे सिर रखेंगे और उसके ऊपर बॉडी रहेगा, चेहरा रहेगा। मिट्टी का काम हो चुका है शुरू। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर गोल टाइप का कुछ मिट्टी का बना लिया हूँ। अब हम यहाँ पर शेर का स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ इस तरह से गोल गोल मिट्टी लगा दिया हूँ। पैर सेट करने का, तो हमने गोल गोल कुछ इस टाइप का चार पैर बना लिया हूँ। तो यहाँ पर चौथा पैर भी हमने सेट कर दिया हूँ कुछ इस टाइप से। अब हमारा शेर का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। तो कुछ को मैंने क्लीन कर दिया हूँ, अभी बहुत क्लीन करना बाकी है। कुछ इस तरह से अपने हाथों से ही अभी कर रहा हूँ। इसमें कोई टूल्स या कोई चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया हूँ। शेर का मूड़ी बनाने से पहले हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया हूँ। अब उसके बाद इसमें मिट्टी लगा रहा हूँ। शेर का चेहरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपना टूल्स का यूज किया हूँ। तो आप देख लीजिए टूल्स हमने क्या लिया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन चेहरे के बना दिया हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा मिट्टी लगाएंगे। अब गाइस, आ चुका हूँ शेर का कान बनाने। तो देख लीजिए, हमने कुछ इस प्रकार से अपने टूल से शेर का कान बना रहा हूँ। अब दूसरा टूल्स ले रहा हूँ ताकि अच्छा से कान बन जाए, ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। और शेर का देखिए चेहरा काफी अच्छा बना हुआ है। अब हम आँख की पुतली बनाएंगे। इतना सब होने के बाद अब हम थोड़ा सा सजावट करेंगे ताकि शेर अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ पर हमने रिफिल से शेर का डेकोरेशन कर रहा हूँ अभी। और शेर के मुख में जो रोमा वाला बाल रहता है वो चीज़ अभी बना रहा हूँ। माता जी को सिंपल थोड़ी बैठाएंगे, माता जी को बैठाने के लिए कुछ इस तरह से शेर के ऊपर अभी डेकोरेशन कर रहा हूँ चद्दर वाला, ताकि शेर के ऊपर जब माता जी बैठे काफ़ी अच्छा मूर्ति दिखे। अब नीचे की तरफ से हम लगा देंगे। गाइस, ये हमारी पहली मूर्ति होने वाली है जो कि हम काफ़ी अच्छा से बना रहे हैं। पिछली वीडियो तो आप देखे होंगे कि कैसा बना था। अब हम इसको पूरा भर देंगे। अब गाइस, अपने हाथों से कुछ इस तरह से चिकना कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा से कट करना था, बाहर निकल गया था, उसके लिए हम अपने टूल्स का यूज कर रहा हूँ। बिना पूंछ के शेर देखना कम अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हम पूंछ को जॉइंटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। गाइस, ये 5 रुपये का चीज़ है, रिफिल पेन में आता है। ये काफ़ी काम का चीज़ है। आप छोटी मूर्तियों में अगर बनाते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से हमने देखिए बॉर्डर बना लिया हूँ। अब उसके बाद इसमें इसी से ही गोल गोल वाला आकार का डिजाइन बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है रिफिल, काफ़ी अच्छा काम करता है। अब आ चुका है माता जी का बॉडी बनाने की बारी। तो यहाँ पर हमने इतनी सी मिट्टी लगा दिया हूँ शेर के ऊपर। तो अब इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे अपनी हाथों की मदद से।
स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताता चलूँगा, सिखाता चलूँगा। कोई भगवान तो हूँ नहीं कि एक बार में सब कुछ कर लूँगा। अब चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी ले लिया हूँ। अब हम बनाएंगे माता जी का पैर। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिफ्ट वाला पैर बना के माता जी के बॉडी में चिपका देंगे। राइट वाले पैर को कुछ इस तरह से लगा देंगे ताकि ऐसा लगे कि माता जी बैठी हैं। तो हमने दूसरे गोड़ के ऊपर ये राइट वाला गोड़ कर दिया हूँ। माता जी के पैर में थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे। तो ये रहा साड़ी का फोल्डिंग। तो अभी साड़ी का फोल्डिंग बनाएंगे और उसके बाद डिजाइन भी देंगे तो काफ़ी और अच्छा दिखने लगेगा। प्लास्टिक वाले टूल्स की मदद से जिससे डिजाइन देते हैं, तो हम कुछ इस तरह से साड़ी का फोल्डिंग बनाएंगे। देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, वीडियो को पूरा वॉच करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिट्टी ऊपर सेट कर दिया हूँ। अब राइट वाले पैर में भी हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्डिंग बनाएंगे। इसमें भी चलिए डिजाइन बना देता हूँ। अभी डिजाइन भले आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जब ये क्लीन हो जाएगा, जब इसको हम क्लियरिटी दे देंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इतना सब कुछ हमने कर दिया, अभी देखिए क्लियरिटी पूरा दे दिया हूँ। तो हमने पैर का नाखून नहीं बनाया था माता जी का, तो अभी माता जी के पैर का नाखून बना रहा हूँ। थोड़ा सा माता जी के पैर का क्लीनिंग करेंगे पानी लगा के। नीचे का डिजाइन देख लिए हो, कमर के नीचे कैसे डिजाइन बनाया हूँ। अब कमर के ऊपर का डिजाइन है, धोती का कुछ इस तरह से पल्लू बना रहा हूँ फोल्ड। अब इसको भी क्लीनिंग कर लेंगे अपनी ब्रश की मदद से। अब माता जी के कमर में कुछ इस तरह से हमने मिट्टी का एक पतला सा कॉइल बना करके पूरे कमर में लगा दिया हूँ। ये माता जी का कमर बंद है, हम लोग गांव में इसे करधन भी बोलते हैं, लेकिन कमर बंद बोलेंगे। अब इसकी भी डेकोरेशन करने के लिए हम रिफिल की मदद लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गोला सा एक छोटा सा टिक्की मॉडल लगा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिफिल की मदद से डिजाइन देंगे और यही डिजाइन पूरे कमरबंद पर रहेगा। रिफिल बहुत काम की चीज़ है, इससे छोटी छोटी मूर्तियों में डेकोरेशन किया जा सकता है। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि हमने रिफिल का यूज कैसे कर लिया। अब माता जी का बारी है हैंड लगाना। तो पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, अब हैंड लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने माता जी के बॉडी में अटैच कर दिया हूँ और इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ। माता जी का हाथ पहले बना लिया था, तो छह हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन हम चतुर्भुज बना रहा हूँ, चार भुजों वाली माता जी। तो छः के बदले हम चार भुजा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से एक हाथ को लगा दिया हूँ।
अब यहाँ पर दूसरे हाथ को भी अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, पानी और मिट्टी की मदद से। इतना होने के बाद गाइस अब आ चुका है माता जी की मुंडी सेट करना। तो यहाँ पर माता जी की मुंडी कुछ इस तरह से पहले से बना लिया था और हाथ को भी पहले से बना लिया था। अब अपनी टूल्स की मदद से सेट कर रहा हूँ। अब पीछे हम एक छोटा सा गोल चक्र वाला डिजाइन लगा दे रहा हूँ ताकि माता जी का फाइनल लुक अच्छा लगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिट्टी का माता जी का बाल बना रहा हूँ। तो टूल्स की मदद से कुछ इस तरह से माता जी का बाल लहराते हुए बना देंगे। अब आप लोगों को माता जी की मुंडी ऊपर में दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं गाइस, वो अपने हाथ में है, फाइनल रिजल्ट में आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैं माता जी का आंचल का फोल्ड बना रहा हूँ अभी, तो कुछ साइड से इस तरह से निकाल दिया हूँ माता जी के आंचल का। अब मैं माता जी के गले का हार बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो मिट्टी का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिफिल की मदद से माता जी के हार में कुछ इस तरह से डिजाइन दे देंगे। गाइस चेहरा आपको भले अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी हम सेट कर देंगे तो अच्छा दिखने लगेगा, फाइनल रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा दिखेगा माता जी की मूर्ति। तो हमने कुछ इस तरह से रिफिल की मदद से पूरा डेकोरेशन कर रहा हूँ माता जी के मुकुट का। अब आने वाला है माता जी का फाइनल लुक। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। देख लीजिए माता जी का कितना बढ़िया चेहरा आया हुआ है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि HM Hub टीम की तरफ से, तो धन्यवाद।